ओ भाई बाग बताने वाला। ढाई ढाई नहीं 2 घंटे की राइड में भाई आ गए रब्बा खुद दिल्ली होगा 55 या 50 के आसपास। हाल बढ़िया, थैंक यू भाई। मम्मा जी प्रणाम। तो भाई शायद बागपत से थोड़ा पीछे। दिन तक नॉन स्टॉप रहेगी भाई साहब साइकिलिंग। रोड सही है, रोड पे दिक्कत नहीं आ रही साइकिलिंग करते भाई। यहाँ नेटवर्क रहेंगे, लेह लद्दाख में तो नेटवर्क मिले ना, यहाँ तो नेटवर्क रहेंगे। अम्मा कहाँ हो? वहीं हो गए नोएडा, याद हो दिल्ली आ रहा हूँ, दिल्ली आ जाओ। दिल्ली में शायद गुरुग्राम साइड, या आज वहीं पे ही जाऊं गुरुग्राम साइड, या दिल्ली कैंट के आसपास, या फिर इंडिया गेट। तीनों चारों में जगहों में से कहीं पे भी स्टे करने को मिल गया वहीं पे रुक जाऊंगा। अच्छा ऑफिस में, ओ सही है। बागपत में एंटर करके सब सही हो रहा है। यहाँ से दिल्ली पड़ेगा 50 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली आ जाओ, दिल्ली अमर को भी बोल दो, अमर भी आ जाएगा। बस साइकिल की स्पीड ऐसी होगी कोई 20 या 22 के आसपास। सही है, 100 किलोमीटर की राइड करनी तो 5 घंटे में पूरी हो जाएगी, बस 5 घंटे में नॉन स्टॉप। और भाई बीच में रुकना पड़ा है, साइकिलिंग करने में दिक्कत नहीं है, बैठने में दिक्कत है। साइकिल की मोटरसाइकिल की सीट पे बैठ जाए, 1 घंटे जब दुखने लग जा, ये तो साइकिल है। शायद बागपत नहीं आई, बागपत इससे आ गए, बागपत से पीछे ही हूँ। यह सुजरा अभी से आ गया है बागपत। हाँ
सही बताऊं तो पूरी बॉडी में पसीना पसीना आ रखा। आगे जाके चेंज करूंगा, जैकेट निकालनी पड़ेगी, पूरी गिल्ली होगी। और ले लद्दाख में ऐसा सीन था, पसीने का तो नाम ही सवाल ही पैदा नहीं हो गया करेगा। ले लद्दाख में नहीं भाई, ले लद्दाख में तो अगर जैकेट निकाल दी भाई, ठंडी इतनी लगी थी ना बहुत ज़्यादा। तो 5G की रेंज है,